कार्यकर्ताओं के हंगामे की। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। 7 आरसीआर के सामने सड़क पर ही प्रदर्शनकारी लेट गए। दरअसल ये लोग आरटीआई एक्ट में संशोधन करने की सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने प्रधानमंत्री आवास के बाहर जुटे हुए थे। आरटीआई कार्यकर्ताओं और छात्रों का जत्था सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर जा धमका और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो सड़क पर ही प्रदर्शनकारी लेट गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यहां बेगमपुर इलाके में शीला दीक्षित एक सभा में पहुंची थी। सभास्थल से कुछ ही दूरी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले को घेर लिया और काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और पब्लिक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। यहां के बलकला गांव में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। साथ ही पुलिस वालों ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आगे आगे गांव वाले भाग रहे थे, पीछे पीछे पुलिस वाले। अमृतसर के बलकला गांव में गदर की मच गई। पुलिस की फायरिंग और पिटाई के चलते 2 ग्रामीण घायल हुए। दरअसल रात में पुलिस की टीम सादी वर्दी में बलगला गांव आई थी। ग्रामीणों ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से हथियार मिले, जिसके बाद ग्रामीणों ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। सुबह पुलिस गाड़ी लेने आई तो दोनों तरफ से घमासान मच गया। जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गाजी फकीर के बेटे और कांग्रेस विधायक सालेह मोहम्मद पर केस, पुलिस वालों के साथ मारपीट का केस दर्ज किया गया है। दरअसल फकीर का केस खुलवाने के चलते एसपी का तबादला कर दिया गया था। वहीं जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के तबादले के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। जैसलमेर शहर में बंद का आयोजन किया गया, दुकानों का शटर गिरा रहा और बाजार बंद रहे। सियासी दबाव में एसपी के तबादले का चौतरफा विरोध हो रहा है। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि राजस्थान में जैसलमेर के एसपी पंकज चौधरी के ट्रांसफर ने तूल पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े हिस्ट्री शीटर पर एसपी ने हाथ डाला तो उनका तबादला ही करवा दिया गया। दरअसल कांग्रेस के दबंग नेता गाजी फकीर का केस 3 बार पहले ही बंद हो चुका है। पंकज चौधरी ने केस खुलवाया तो उनका ट्रांसफर किशन गढ़ कर दिया गया। गाजी का एक बेटा कांग्रेस विधायक भी है और कहा जा रहा है कि गाजी परिवार के दबाव में ही सरकार ने तबादले का फैसला लिया। एसपी पंकज चौधरी ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि गाजी फकीर की फाइल खुलवाने के चलते ही उनका ट्रांसफर किया गया हो। इट में भी हिस्ट्री सीट ओपन करने के लिए आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री सीट ओपन करने के 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर हुआ है, इसको आप जोड़ भी सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट आदेश है, गवर्नमेंट आदेश कभी भी आ सकता है, किसी टाइम से जोड़ने का इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता गाजी फकीर सिंधी मुस्लिम समाज के तथाकथित धर्मगुरु माने जाते हैं। साल 1965 से ही उन पर केस चल रहा है। उन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है और ऐसे नेता पर जब एसपी ने कार्रवाई करनी चाहिए तो उनका तबादला कर दिया गया। निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में सोनिया गांधी के दखल के बाद पीएमओ की नींद खुली है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है और इस मामले पर सारे फैक्ट्स भी मांगे गए। समाजवादी पार्टी ने सोनिया गांधी की चिट्ठी को सियासत करा दिया है। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा, राजस्थान हरियाणा में अफसरों पर हुए जुल्म पर चिट्ठी क्यों नहीं लिखी जाती। आईएएस दुर्गा मामले पर सोनिया गांधी की पीएम को चिट्ठी पर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर राजस्थान हरियाणा में अफसरों पर हो रही गलत कार्रवाई पर सोनिया गांधी चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूछा है कि दुर्गा मामले में पीएम ने सोनिया गांधी की चिट्ठी आने का इंतजार क्यों किया। राजनाथ ने एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन तुरंत रद्द करने की मांग की उठाई। दरअसल शनिवार को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा जैसी ईमानदार अफसर को बेवजह परेशान न किया जाए। हालांकि सोनिया गांधी की चिट्ठी से पहले पीएम ने दुर्गा मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। शनिवार को जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तो बगैर जवाब दिए ही निकल गए। उधर आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले की जांच के लिए अखिलेश सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में एसपी नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन
नरेंद्र भाटी के भाई को भी शामिल किया गया है। नरेंद्र भाटी वही शख्स हैं जिन्होंने दुर्गा को 41 मिनट के अंदर सस्पेंड करवाने की बात कही थी। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने मचा जुलूस निकाला। इस जुलूस का नेतृत्व बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे। आगरा में दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम की अर्थी निकाली और नारेबाजी करके अपना विरोध जताया। इस बीच आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले पर विपक्ष के हमले झेल रहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुस्लिम धर्म गुरुओं का समर्थन मिला है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सरकार के कदम को सही बताते हुए मस्जिद की दीवार बनवाने की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पर हुई। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी अपनी ओर से संसद चलाने की पूरी कोशिश करेगी। बीजेपी की बैठक के बाद शाम 5 बजे एनडीए की भी बैठक होने वाली है। एनडीए की बैठक भी आडवाणी के घर पर ही होगी। जेडीयू के अलग होने के बाद एनडीए की पहली बैठक होगी जिसमें मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में सरकार फूड सिक्योरिटी समेत कई अहम बिल पास कराने की फेर में है। वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा हुआ है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर मीरा कुमार ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। स्पीकर ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे संसद सत्र को सुचारू तरीके से चलाने की अपील सभी दलों से की। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम ने 5 अगस्त से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों से समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल बेहद जरूरी है और इसे पास कराने में विपक्ष मदद करेगी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का ऑपरेशन किया गया है। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कहा जा रहा है उन्हें 10 दिन तक अस्पताल में रहना होगा। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण में सीधी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का क्षेत्र रहा है। शिवराज की तैयारी इस बार कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सागर में कांग्रेस पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि कांग्रेस का मायावी है जिसमें लड़ने की ताकत नहीं है। तोमर ने कांग्रेस की तुलना राम रावण युद्ध से कर डाली। यूपी के संभल में इंटर के छात्र छात्राओं को बांटने के लिए आए लैपटॉप प्रशासन की लापरवाही की वजह से खराब हो गए हैं, जिसके बाद भी 29 जुलाई को शिवपाल यादव करीब 2300 लैपटॉप छात्रों को बांटने के बाद वहां से चले गए। मध्य प्रदेश के रीवा में सीएम की सभा के दौरान अफरा तफरी मच गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान भाषण दे रहे थे तभी भीड़ के बीच से उठकर एक लड़की मंच पर पहुंच गई। उसने राज्य के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पैर पकड़ लिए। सुरक्षा घेरे को तोड़कर मंच पर पहुंची लड़की ने सीएम को नसीहत देनी शुरू कर दी। इस लड़की ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की हालत और दुरुस्त की जाए। बाद में लड़की को समझा बुझाकर मंच से भेज दिया गया। झारखंड में हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राजभवन में 6 मंत्रियों को राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने शपथ दिलवाई। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से 4, कांग्रेस आरजेडी कोटे से 1-1 मंत्री हैं। जेएमएम कोटे से साइमन मरांडी, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी और जयप्रकाश भाई पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि कांग्रेस से गीताश्री उराव और आरजेडी से सुरेश पासवान को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। झारखंड में मंत्री बने की जात में निर्दलीय विधायक बंधु तिर्की कांग्रेस में जा सकते हैं। बंधु के अलावा और भी कुछ निर्दलीय विधायक मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के लिए अपशब्द कहे। मध्य प्रदेश के सीहोर में सज्जन सिंह ने विवादित बयान दिया। मोदी की खिलाफत और नीतीश की तारीफ करने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर गाज गिर सकती है। पहले शत्रुघ्न पर कार्रवाई की मांग करने वाली पार्टी उपाध्यक्ष सीपी ठाकुर ने अब कहा है कि उन्हें एक और मौका देना चाहिए। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। सांसद अरुण शौक ने मोदी को ईमानदार बताते हुए उनके राजकाज की तारीफ की। हाल ही में अरुण मोदी से मुलाकात करने के लिए गुजरात पहुंचे थे। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरने के लिए पोस्टर का पैंतरा अपनाया। दिल्ली प्रदेश बीजेपी बैनरों के जरिए शीला सरकार की खामियां गिनाने में जुट गई है। पोस्टर ऑटो टैक्सी में भी चिपकाए गए।
नीतीश राणे के बयान से कांग्रेस किराना करती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ने कहा है कि नीतीश का बयान बिल्कुल गलत है। गुजराती समाज को लेकर की गई महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के ट्वीट पर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त रुख दिखाया है। गृहमंत्री आर आर पाटिल ने कहा कि राणे के ट्वीट की जांच होगी। इसके पहले महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने गुजरातियों के खिलाफ दिए गए बयान पर पीछे हटने से इंकार किया। उनका कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है। स्वाभिमान संगठन नाम की समाजसेवी संस्था चलाने वाले राणे ने कहा था कि गुजराती मुंबई में रहकर पैसा कमाते हैं, लेकिन तारीफ गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की करते हैं और ऐसे गुजरातियों को मुंबई छोड़कर चले जाना चाहिए। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने तेलंगाना मुद्दे पर कहा है कि हर फैसले से कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ की नाराजगी भी सामने आती है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। आज यहां कोर्ट के बाहर रसी जीएम समर्थकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया है। अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। नागपुर से शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बिजनौर की पौष कॉलोनी रामलीला इलाके में लोगों ने दो लड़कों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों के मुताबिक दोनों चोरी के इरादे से घर में घुस गए थे, जहां इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बाद में दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कानपुर के करहरी इलाके में लड़की के लापता होने पर जमकर बवाल हुआ। इलाके के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। यहां एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा 4 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक उसका कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। मेरठ में हुए एक हादसे में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने बाइक सवार को कुचलने वाले दूध के टैंकर में भी आग लगा दी। ये घंटों हंगामा सड़क पर चलता रहा, जिससे यातायात भी बाधित हुआ। राजस्थान के अलवर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कुछ छात्रों को तो पुलिस वालों ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा भी। ये छात्र यहां के कला कॉलेज में एनसीसी की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पानी से भरे पुल को पार करने के लिए एक शख्स को पास खड़ी पुलिस ने पीटना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में इससे थोड़ी देर पहले यहीं के सूबे के मुख्यमंत्री का काफिला भी गुजरा था और इन्हें पुलिस वालों ने नियमों की अनदेखी करते हुए गुजरने दिया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक मौलवी पर लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस ने गुजरात से 8 जुलाई को अगवा हुई लड़की को बरामद कर लिया है। लड़की ने बताया कि मौलवी उसके साथ इलाज के नाम पर रेप करता था। पुलिस फरार मौलवी की तलाश में है। पटना में पुलिस ने एक ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। तांत्रिक पर झाड़फूंक के नाम पर एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है। महिला ने तांत्रिक के खिलाफ शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की मथुरा पुलिस पर रामू नाम के एक शख्स की आंख फोड़ने का आरोप लगा है। रामू की गलती बस इतनी सी थी कि उसने अपनी मोटरसाइकिल गलत जगह पर पार्क की थी। इससे नाराज होकर एक सिपाही ने उसकी आंख फोड़ दी। हालांकि पुलिस वाले इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। यूपी के हाथरस में बदमाशों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई और 5 लोगों को पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के हमले की वजह साफ नहीं हो पाई। बदायूं के आंवला रोड पर हुए एक सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। हादसे से गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क जाम कर दी। 3 कांवड़ियों की मौत रोडवेज की बस की चपेट में आने से हुई। बदायूं के सहसवान में 15 दिन के अंदर डायरिया के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। यहां के लोगों का कहना है कि इतनी मौत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है। बिहार में गया के कोसडीरा गांव में बदमाशों ने एक चौकीदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। चौकीदार को 3 गोलियां लगी हैं, उसे गंभीर स्थिति में इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच लाया गया। जानलेवा हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के कटनी में एक लड़की ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा लिया। अपनी प्रेमी से परेशान होकर लड़की ने कदम उठाया। गंभीर हालत में उसे जबलपुर अस्पताल रेफर किया गया। एमपी के जबलपुर में आग से झुलसने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। लड़की ने स्टोव में कैरोसिन डालकर जैसे ही माचिस की तीली लगाई, आग की लपटों ने उसे पकड़ लिया। मुंबई से सटे मीरा रोड के साई बाबा नगर में एक महिला ने अपने 2 मासूमों को मौत के घाट उतारकर खुदकुशी कर ली। महिला ने पहले पानी के टब में डुबोकर अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला आर्थिक तंगी से परेशान थी। कन्नौज में कच्चा बनियान गिरोह का कहर सामने आया है। इस गिरोह ने सदर कोतवाली इलाके के निवासीपुर गांव के घर में धावा बोलकर जमकर लूटपाट की। विरोध करने पर बदमाशों ने घर के मुखिया को मौत के घाट उतार दिया और महिलाओं की भी जमकर पिटाई की।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में चार खूंखार कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। मामला होशंगाबाद की पिपरिया उपजेल का है। यहां कैदियों ने सुरक्षाकर्मियों पर डंडों और चाकू से हमला कर दिया और उनसे गेट की चाबी छीनकर फरार हो गए। नोएडा पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसने एक कंपनी में फोन कर कहा था कि यहां पर बम रखा हुआ है। दोनों आरोपियों के फोन कॉल के बाद कंपनी में अफरा तफरी मच गई। रात भर बम निरोधक दस्ते को बम की तलाशी करनी पड़ी लेकिन यह अफवाह झूठी थी। बिहार में कटिहार के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हैंडपंप में जहर होने की खबर फैली। हैंडपंप से नीला पानी निकलता देख स्कूल में खाना बनाने वाली महिला ने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। यूपी के देवरिया में अंधविश्वास का अजीब ड्रामा देखने को मिला। यहां एक पिता ने अपने मरे हुए मासूम के शव को कब्र से बाहर निकलवा लिया और तांत्रिक को बुलाकर उसे जिंदा करने का ड्रामा घंटों चला। गाजीपुर में रिटायर महिला टीचर को उनके घर वालों ने ही एक साल से कमरे में कैद रखा था। मामला तब सामने आया जब महिला के भाइयों ने उन्हें इस हालत में देखा। पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ में आरपीएफ को मिले भगत से कुछ लोग सरकार को लाखों का चूना लगाने में कामयाब रहे। लोग दिल्ली से जो सामान लाते हैं उसे स्टेशन पर उतारने के बदले स्टेशन से पहले ही रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं और स्टेशन पर टैक्स देने से बच जाते हैं। कानपुर देहात में जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी के पति लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि उर्मिला देवी का ज्यादातर कामकाज भी उनके पति ही देखते हैं। अजमेर की पुष्कर नगर पालिका की ओर से बांटे जा रहे कंप्यूटराइज राशन कार्ड में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां की एक 85 साल की महिला की उम्र 16 साल लिख दी गई है जबकि वो वृद्धा पेंशन भी ले रही है। नागपुर में नेशनल हाईवे पर एक पुलिस वाले ने अपनी जान पर खेलकर सांप की जान बचाई। पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को एक लाठी से उठाकर सड़क से किनारे किया। अगर वक्त रहते ऐसा नहीं किया जाता तो हो सकता था सांप किसी तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ जाता।